हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सेवन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 40 दिया है। दीर्घवृत्त का यहाँ पे समीकरण एवं यह एक रेखा का समीकरण दिया है। इन दोनों से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों से घिरा हुआ जो लघु क्षेत्र होगा, छोटा क्षेत्र होगा, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे इसका आलेख बना देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक्स एक्स डैस वाई और ये आपका हो जाएगा वाई डैस, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे दीर्घवृत्त जो दिया है पहले उसको लेता हूँ। दीर्घवृत्त उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर में 1। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसका जो आलेख होगा कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। यह बिंदु क्या होगा, तो यह बिंदु 3,0 होगा और यह बिंदु क्या होगा, तो 0,2 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं वाई के वैल्यू की बात करूँ तो वाई बराबर में आप इसमें लिखोगे 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसको उधर ले जाओ, एलसीएम लो, ये ऊपर ले जाओ, गुना करो, स्क्वायर रूट में ले जाओ, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आप करोगे तो निकल जाएगा। अब इतने भी बच्चे नहीं हो, आप निकाल सकते हो ऐसे। अब देखिए, अब हमारे पास जो रेखा दिया उसको लेते हैं। रेखा का समीकरण एक्स बट्टा में 3 वाई बट्टा में 2 बराबर 1, ठीक है। एक काम करते हैं, या एलसीएम ले लो ना, इसको सिंपल कर दो। 6 इसमें भाग करेंगे दो, ऊपर जाकर 2x 3y बराबर में 1, यानी कि आ जाएगा 2x + 3y बराबर में 6। अब इसका आलेख देख लो, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y का 2 आ जाएगा, यही बिंदु होगा, और अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x का 3 आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी यहीं से वह रेखा जाएगी। रेखा का भी समीकरण यही है, ठीक है। ये वाला इस रेखा का समीकरण है ना। रेखा का समीकरण जो दिया है उससे जाने वाली यह रेखा ये होगी 2x + 3y बराबर में 6, या ये भी समीकरण लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमें इन दोनों से घिरा हुआ, इस रेखा से और इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र, ये छोटा वाला यही ना दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो लघु क्षेत्र यही हुआ, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ए यहाँ पे मैं देता हूँ, बी ये देता हूँ, सी, ठीक है। चलिए, और ये तो मूल बिंदु O है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से भी हमें y का वैल्यू तो चाहिए ही, y का वैल्यू यहाँ से भी चाहिए। इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे और ऊपर से वहाँ से 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 3 - x और ये y 3 जो है इधर आके भाग में हो जाएगा। बात को समझे ना क्या होगा, मैंने 2x को इधर भेजा, ठीक है, और उसमें से 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ 3 बचेगा और फिर x बचेगा, ठीक है। देख लो, गुना करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 6 और माइनस का 2x और ये 3 आ गया भाग में, तो यहाँ से भी y का मान निकल गया। अब देखते हैं इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, एरिया ओ ए बी सी ओ में से घटा देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ओ ए सी, ये इसका घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखिए, कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से लेके 3 तक, और यह जो बना है इस वक्र के कारण बना है, तो इसमें वाई का मान क्या है, यह रहा 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इसका। देखिए, ये त्रिभुज जो है इस रेखा द्वारा बना है, ये भी आपका 0 से 3 तक ही गया है, 0 to 3 2/3 3 - x dx, समझ गए ना। चलिए अब इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा 2/3। थोड़ा और पहले से लिखो क्योंकि बड़ा होगा इसका इंटीग्रेशन, 2/3 इसका इंटीग्रेशन x/2√3 2 sin 3 लिमिट है 0 to 3, फिर -2/3 3 का हो जाएगा 3x और -x का x² / 2 लिमिट है 0 to 3।
चलिए यहाँ रखते हैं। देखो क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 9/2 और गुना में यहाँ 3 रखने, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 रखने पे साइन इनवर्स 1 का π/2, 0 रखिएगा तो यह भी 0 और यह भी 0, -2/3। 3 रखते हैं तो 3 × 9 और यहाँ 9 माइनस में 9/2 और फिर 0 रखेंगे तो आपका 0 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2/3 अंदर आ जाएगा यह 9π/4, 9π/4 माइनस 2/3। यहाँ पे देखो अंदर एलसीएम लेके घटा दे क्या, वो भी 9/2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसे काट सकते हैं, 3 × 9 और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, 2 से 2 कट गया और 3 × 9 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर इस 3 से भी काट सकते हैं 3 बार में और 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में। तो 3π/2 -3 ये आपका आंसर हो सकता है, और नहीं तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 2 3π - 6, अब ऊपर से 3 कॉमन कर लो, पाई माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 π - 2 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल आ गया जो छायांकित भाग था, जो हमारा लघु क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है परवल है y²=4x के उस भाग का क्षेत्रफल जो रेखा y = x से कटता है। चलिए पहले इसका आलेख देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख रहे ना, आलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना आलेख बनाए कुछ नहीं होने वाला है। x x डैश y और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y डैश। y²=4x है। तो इसका परवलय जो होगा इस तरह से बनेगा ना, यही परवलय होगा, आलेख यही ना हो जाएगा y²=4x। y = x है तो y = x इसमें जाएगा इस तरह से। तो चलिए पहले इन दोनों से ये निकाल लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे। y²=4x ये परवलय का समीकरण दिया है और रेखा का दिया है y = x, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। मैं y के जगह पे x रख देता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो y² के जगह पे मैं x रख देता हूँ। समीकरण 1 तथा 2 से y के जगह पे यहाँ x रख सकते हैं ना, तो x²=4x इधर आएगा, x²-4x = 0, x कॉमन कर लेते हैं, x-4 बचेगा, तो x का मान एक 0 आएगा और एक 4 आएगा। x = 0 पर y = 0 हो जाएगा और x = 4 पर y = 4 हो जाएगा। तो 0 0 तो यहाँ हो जाएगा और 4 4 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों से होकर जाने वाली इस तरह से रेखा जाएगी। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का निकालना है। चलिए ये आपका y = x का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें ये निकालना है। यहां से मैं एक लंब गिरा देता हूं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लंब गिरा दिया और इसका यहाँ पे अभी नाम देता हूँ O00। इसका निर्देशांक ये आपका A हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु 4 4 है तो यहाँ का निर्देशांक 4,0 हो जाएगा। यहाँ पे B दे देते हैं, यहाँ पर C दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। चलिए कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से लेके 4 तक, और यह जो बना है पहला वाला ये पूरा ये किससे बना है, इससे। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 2√x यानी x^1/2 लिख सकते हैं। समझ गया ना बात को, यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो √4x होगा जो कि आपका 2√x हो जाएगा, यानी 2 × x^1/2 माइनस, ये भी आपका 0 to 4 गया है, यह y = x से बना है। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे क्या आता है।
टू, यहाँ पे एक्स का पावर वन बाई टू का टू बाई थ्री, एक्स का पावर थ्री बाई टू का पावर सॉरी जीरो टू फोर इसका लिमिट है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू फोर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, पहले तो चार रखना होगा ना जी, टू बाई थ्री फोर का पावर थ्री बाई टू, और जीरो रखेंगे तो ये तो भैया पूरा जीरो हो गया, माइनस चार रखेंगे तो चार का स्क्वायर बट्टा दो, और माइनस जीरो रखेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको रखने की, कोई जरूरत नहीं है। टू ब्रैकेट के अंदर टू बाई थ्री इंटू टू का पावर टू इंटू थ्री बाई टू माइनस चार का स्क्वायर सोलह बट्टा दो, कट जाएगा आठ आ जाएगा। यहाँ देखो ये दो से दो कट गया, दो गुना में दो बट्टा तीन और गुना में ये दो का क्यूब कितना होगा आठ हो जाएगा, और माइनस का आठ। चलिए समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ये कितना हो जाएगा बत्तीस, बत्तीस बट्टा तीन माइनस में आठ, एलसीएम ले लेते हैं तीन, बत्तीस माइनस चौबीस, यहाँ पे घटा देते हैं आठ बट्टा में तीन वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, वक्रो y बराबर x, ये तो एक रेखा का समीकरण है, तथा y बराबर x से आपका परवलय का है के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का। तो पहले फिगर बना लेना तो बहुत ही उचित रहेगा हम लोग के लिए। चलिए मैं इसका पहले फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर x डैश हो जाएगा, यहाँ y है और यह आपका y डैश है, ठीक है। और अब देखिए दोनों का पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा तो अच्छा रहेगा, वैसे तो मैं फिगर ऐसे भी खींच सकता था लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु निकालना सही रहेगा। समीकरण एक तथा दो से दोनों वाई का वैल्यू, इसमें एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर, इसको इधर लाते हैं एक्स कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एक्स बराबर जीरो और एक वन आ जाएगा। एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर वन हो जाए, जीरो हो जाएगा, और x बराबर वन पर y बराबर भी वन हो जाएगा, यानी एक दूसरे को ये वन वन पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो परवलय पहले बना लेता हूँ मैं, ये किसका है जी, y बराबर में एक्स स्क्वायर का, अच्छा, और दूसरा है वन वन के लिए, थोड़ा सा और कर्व कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा पास से ही ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा y बराबर x, तो जीरो जीरो यहाँ होगा और वन वन मान लेते हैं यहाँ और यहाँ इसके सामने, तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा ये छोटा सा क्षेत्र यही ना होगा, ये वाला, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए ये वाई बराबर एक्स है तो इसी का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ, ये पता है ना प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या है निर्देशांक उसका, ये निर्देशांक इसको मैं बिंदु बी मान लेता हूँ क्योंकि मैं इसे ए मानने वाला हूँ, इसका निर्देशांक वन वन होगा, यहाँ का निर्देशांक वन कॉमा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं कोई बिंदु देता हूँ सी, ठीक है। अब चलिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, चलिए देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ में से घटा देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, इस पूरे में से ये वाला जो खाली जो एरिया देख रहे हैं इसको घटा देंगे। चलिए ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं, जीरो से लेके वन तक गया है, ये किसके द्वारा बना है, रेखा के द्वारा वाई बराबर एक्स से, जीरो से वन तक यह भी गया है और ये किसके, उस कर्व के द्वारा एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन, एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू वन, देखो वन रखोगे तो यहाँ वन बाई टू, माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, और यहाँ भी उसी तरह से वन रखेंगे तो वन बाई थ्री और माइनस जीरो, तो वन बाई टू में से वन बाई थ्री घटा दे रहे हैं, एलसीएम में घटाएंगे वन बाई सिक्स आ जाएगा ना। चलिए वन बाई सिक्स एक बट्टा छः वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वृत्त दिया है, वृत्त का समीकरण तथा सरल रेखा का दिया है, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अगर मैं इस वृत्त की बात करूँ तो वृत्त में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में पच्चीस, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में पाँच का स्क्वायर, यानी यहाँ त्रिज्या पाँच है, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर पाँच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है सरल रेखा, सरल रेखा उसका समीकरण दिया है
एक्स प्लस वाई बराबर पांच, तो यहां से वाई का वैल्यू क्या होगा, पांच माइनस एक्स ना होगा, पांच माइनस एक्स होगा। चलिए तो देखते हैं पहले अब इसका फिगर। यहाँ पर ये यह आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे मैं वाई अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ एक्स एक्स डैश वाई और ये आपका वाई डैश हो जाएगा। चलिए ये आपका वृत्त का हो गया, यहाँ का निर्देशांक आपको पता है 5,0 होगा क्योंकि त्रिज्या 5 है, ये आपका 0,5 हो जाएगा और इस रेखा के लिए भी प्रतिच्छेद बिंदु ये और ये हो जाएगा। कैसे, x 0 रखोगे तो y 5 आएगा और y 0 रखोगे तो x 5 आएगा, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से खींच देंगे, यही आपका उस रेखा का सरल समीकरण होगा, सरल रेखा का समीकरण का आलेख हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है। तो इन दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यही ना निकालना है जी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे O इसका निर्देशांक 0,0, इसका A, यहाँ पे मैं B दे देता हूँ और ये C हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। कोई दिक्कत नहीं है इसे, समझ रहे हैं ना। चलिए निकालते हैं, यह गया है 0 to 5 और किसके द्वारा, इस कर्व के द्वारा बना है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे है रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये भी 0 to 5 गया है और यहाँ वाई का वैल्यू है 5 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये है इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स बाई टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा में 5। 0 to 5 यहाँ लिमिट है, माइनस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 5, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 5 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 25/2 और साइन इनवर्स 5 रखोगे तो 5 से 5 कट गया 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यह भी 0 और यह भी 0 माइनस 5 रखेंगे तो 25 माइनस 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25/2 और 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 25/4π माइनस 25 में से 25/2 घटेगा तो 25/2 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम होगा 4, 4 होगा, 25π माइनस का 50 यहाँ आ जाएगा, 25 ऊपर से कॉमन कर लो, पाई माइनस 2 बचेगा और नीचे आपका 4 है, इतना वर्ग इकाई में आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर वाई के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बराबर में 4ax दिया है और दूसरा परवलय दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर में वाई तथा दूसरा परवलय क्या दिया है एक्स स्क्वायर बराबर में वाई। पहले तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, तो चलिए ना दोनों समीकरण से देख लेते हैं, यहाँ y का वैल्यू लिख देते हैं, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, इसमें रख देते हैं, y की जगह जब एक्स स्क्वायर रखोगे तो ऊपर से एक स्क्वायर लग जाएगा 4ax, कैसे हुआ समीकरण 2 से, y का वैल्यू जब मैंने एक्स स्क्वायर रखा तब एक्स का पावर 4 हो जाएगा और माइनस का 4ax बराबर में 0, यही ना हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से x कॉमन करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4a, तो एक x का वैल्यू 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा 4a का पावर 1/3। x बराबर 0 पर y बराबर 0 का स्क्वायर यानी कि वो भी 0 हो जाएगा और x बराबर 4a का पावर 1/3 पर y बराबर में हो जाएगा 4a का पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका मैं यहाँ पे बगल में ग्राफ बना देता हूँ
और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स ये आपका एक्स डैश, वाई और नीचे वाई डैश, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए ग्राफ जो होगा, आलेख जो होगा कुछ इस तरह से होगा, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर वाई के लिए ये ऐसे होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में वाई के लिए। तो ये जो छायांकित भाग जो देखना है इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु इनका क्या होगा, एक्स वाई के वैल्यू, तो एक तो 0 0 पे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसका इसका निर्देशांक में यहाँ बी नाम देखे और इसका निर्देशांक लिख देता हूँ, 4a का पावर 1/3 और कमा 4a का पावर 2/3, ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। यहाँ से मैं एक लंब गिराता हूँ, इसका नाम ए देता हूँ, इसका निर्देशांक होगा 4a का पावर 1/3 कॉमा में 0, ये ना हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया किसका, पहले OABO, यहाँ पे कुछ और नाम दे दिया जाए तो ठीक रहेगा, थोड़ा और लंबा ताकि पता चले, यहाँ सी देते हैं, यहाँ पे हम लोग डी देते हैं, तो OABCO माइनस ये पूरे का हो गया, उसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ OABDO यानी यह वाला घटा देंगे, कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 0 से 4a का पावर 1/3 तक गया है, ठीक है, 1/3 तक गया है, और यहाँ इस ये जो बना है इसके द्वारा बना है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल दो, तो y का वैल्यू थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, स्पेस जगह कम बच रहा है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा करके लिखता हूँ, 0 to 4a का पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें जो है y का वैल्यू क्या होगा, 2√a√x, तो x का पावर 1/2 सीधे लिख देता हूँ dx, माइनस 0 से 4a का पावर 1/3 तक ये गया है और ये इसके द्वारा बना है, ये किसका, इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर में वाई, यानी वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, 2√a, यहाँ पे देखो इसका 2/3 एक्स का पावर 3/2 0 to 4a का पावर 1/3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा में 3 और आपका पावर में लिमिट है 0 to 4a का पावर 1/3, 2√a अंदर देखो मुझे क्या रखना है, ये रखना है एक्स की जगह 2/3 4a का पावर 1/3 का पावर 3/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे चलो 4a का पावर 1/3 और यहाँ पावर में है 3/3 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 4/3√a इंटू में यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा, 4a का पावर 1/2 बचा, तो 1/2 बचा तो मैं उसे रूट कर देता हूँ, चलिए माइनस यहाँ देखो 3 से 3 कटेगा 4a/3, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 4 × 8/3 और रूट ए, फिर रूट ए क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस 4a/3, एलसीएम में के घटा देंगे 4a/3 वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। तो देख रहा हूँ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरे आपके एक्सरसाइज में, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। इसे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.रविकांतसर.in पर जाएंगे,
रविकांत सर .in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।